हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना न्यू ईयर ट्रिप, कि हमने न्यू ईयर पे कहाँ गए थे और क्या क्या मस्ती पूरा दिन किए थे, वो आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो गाइस, हम लोग गए थे बैंगलोर से 52 किलोमीटर दूर शिलहांद्रा रिजॉर्ट, जो कि रामनगर कर्नाटका में है, और बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट था। व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, रास्ता तो आप रोड तो देख ही सकते हो, तो माउंटेन्स, ग्रीनरीज सब कुछ था, तो बहुत मज़ा आई। और फ्रेंड्स के साथ जाओ ना तो मज़ा आती आती है, और ये सब रिजॉर्ट वाली जो जगह होती है ना, आप ग्रुप में जाओ ना तभी मज़ा आती है। अगर अकेले जाओगे तो एक्टिविटीज़ करने में कोई मज़ा नहीं आने वाली है। तो चलिए मेरे साथ देखिए हम लोग ने क्या क्या चीज़ें की है यहाँ पे एक्सप्लोर। तो गाइस, हम लोग रिजॉर्ट अभी पहुंच गए हैं और थोड़ा सा लेट हो गया हमें पहुंचने में, मतलब 12 o'clock हो गए थे, क्योंकि हम लोग रास्ता थोड़ा भटक गए थे, तो इधर उधर हो गए थे, तो फिर थोड़ा टाइम लग गया हमें आने में। तो सबसे पहले हमारा वेलकम हुआ वेलकम ड्रिंक से, तो कोई ऑप्शन नहीं था, बस एक ही ऑप्शन था मैंगो जूस का, तो बस वही पिया और फिर आगे हम लोग निकल गए। और यहाँ पे जो हमने सबसे पहली एक्टिविटी देखी वो थी बंजी जंपिंग, तो उसमें किसी भी एज वाले बच्चे जा सकते थे, बस अबव 4 इयर्स वाले बच्चे होने चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे जिप लाइन भी हो रही है, तो ये देखिए, मतलब सबसे बेस्ट व्यू मुझे शिलांद्रा का यही वाला व्यू लगा, यहाँ पे माउंटेन्स थे पूरे। और तो जिप लाइन वगैरह के लिए अलग से आपको पे करके आपको जाना पड़ेगा, जिप लाइन हो गया, बंजी जंपिंग हो गया, इन सब के लिए अलग से पे करना पड़ा था। जैसे और किसी रिजॉर्ट में अगर आप जाएंगे तो सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, मगर इस रिजॉर्ट में मतलब कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि जो इंडोर गेम्स है वो केवल इंक्लूड थी, बाकी सारी चीज़ों का पे करके ही हमें जाना था। तो वो थोड़ी सी जो चीज़ें थी ना, वो मेरे को थोड़ी कम समझ में आई। तो अब ये न्यू ईयर का टाइम था, हमें और कोई रिजॉर्ट नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, मगर बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, बस ये पे करके जाने का थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। मगर वैसे देखेंगे तो इसका जो प्राइस था, जो एंट्री का जो चार्जेस थे, वो थोड़ा कम था, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एंट्री का जो चार्जेस, एंट्री फीस थी, इसे आप सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। मगर एक डे आउट का हमारा पूरा था, तो एंट्री फीस हमारी जो थी वो 950 रुपीज़ थी, मगर अभी मैंने इसका प्राइस देखा तो 760 रुपीज़ हो गया है। आई थिंक न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा चार्जेस ये लोग बढ़ा दिए होंगे, मगर अभी आप जाएंगे तो आपको 760 रुपीज़ ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है। और मेरे को ये भी लगता है कि अगर सैटरडे संडे हो गया या फिर किसी फेस्टिवल में आप जाएंगे तो शायद इसका प्राइस आपको 950 ही पड़ेगा। इसमें हमारा जो ये हमें वेलकम ड्रिंक दिए वो था, लंच था हमारा, और शाम का स्नैक्स था, बस यही तीन चीज़ इंक्लूड थी और कुछ नहीं इंक्लूड था, बाकी सारा चीज़ हमें पे करके ही जाना था। और जैसे कि बच्चों के गेम्स वगैरह आप देख रहे हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्री में ही थी। तो इसी तरह जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो फ्री में थी, बाकी जितने भी बड़े बड़े एक्टिविटीज़ थे सब में पैसे लग रहे थे। और एक चीज़ और भी था कि सारी एक्टिविटीज़ चल भी नहीं रही थी, मतलब हो भी नहीं रही थी, जैसे डर्ट बाइक वगैरह था, तो वो सारी चीज़ें अभी हो सकता है न्यू ईयर के कारण नहीं चल रहा, क्योंकि न्यू ईयर में थोड़ा रश हो जाता है, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो मगर और सब जगह भी हम लोग न्यू ईयर के ही टाइम पे गए हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब चल रही थी, मगर यहाँ पे नहीं चल रही थी। तो आप लोग पहले से ही अगर जा रहे हैं तो पहले से ही बात कर लीजिएगा, क्योंकि और गाइज यहाँ पे पूल भी था, जो कि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, बड़े बच्चे सब जा सकते हैं, इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं था। और शाम को 4 o'clock यहाँ पे रेन डांस वगैरह भी होता है, जो कि वो भी बहुत मज़ेदार है, मैंने सुना है, हम लोग ने नहीं किया था क्योंकि सबको कोल्ड कफ हो रखा था।
और ये है हमारे फ्रेंड्स, और बच्चों के लिए तो मैंने बताया ही था, स्लाइड वगैरह भी है, तो यहाँ पे बच्चे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पे अगर आप गए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इतने दूर गए हैं तो एक दिन स्टे करके आइए, स्टे करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आती है स्टे करने पे भी। कहीं पे भी जाओ और वन डे का आउटिंग रहता है ना, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, तो थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो जाती है। और गाइज अब हो गया है यहाँ पे लंच का टाइम, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो पूरा बफे रहता है, एक साइड नॉन वेजिटेरियन के लिए है और दूसरे साइड साइड वेजिटेरियन के लिए। तो मैंने तो दोनों ही टेस्ट किया, मगर मुझे वेजिटेरियन उतना नहीं पसंद आया, नॉन वेजिटेरियन तो काफ़ी सही था। अब सब लोग कामतारा वाला बोलेंगे, कौन सा वाओ बोलो जय। और गाइज ये देखे हमारा ग्रुप, चलो क्या रहा? ऐसे ऐसे आते जाओ।